लज्जा आती है जिस देश में नारी को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी माँ के रूप में पूजा जाता है, जहाँ लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते माँ की जय कहते हैं, वहीं एक माँ का बलात्कार करके उसे जिंदा जलाया दिया जाता है, तो दो चार आदमी नहीं आए। ऐसी पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया, ये देखकर मुझे लज्जा आती है। अपनी आंखों के आगे जुर्म होते देखकर चुप बैठे अपने भाइयों की नपुंसकता पर मुझे लज्जा आती है, अपनी बहनों की लाचारी पर मुझे लज्जा आती है। औरत को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये सही है, ये गलत, औरत की सोच पर पाबंदी लगाने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, और कितनी मली लेंगे आप, और कितने जाने लेंगे हमारे? आज भी कई गांव में लड़की के पैदा होते ही उसका गला घोट के मार दिया जाता है, उसका होश संभलने से पहले उसकी शादी की जाती है, जैसे कि वो कोई बोझ हो उतार फेंकनी है। जिस औरत को बच्चा ना हो उसे बांझ कह के ठुकराया जाता है। क्या औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं? कल्चर, धर्म के नाम पे हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि ये वही समाज है जहां सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहते हैं, तो वहां सच कौन बोलेगा? मैंने सच बोला और मैं जानती हूं मुझे भी जलाया दिया जाएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि ये वही देश है जहाँ सुरक्षित लौटी सीता को उसी के पति राम ने आग पे उतरने पर मजबूर किया, और उस सीता से लेके जानकी, राम दुलारी, न जाने कितनी सीताएं किस किस आग पे जलती रही हैं और आगे भी जलती रहेंगी, क्योंकि आज हमें लज्जा नहीं आती। हमारी लाज, शर्म, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है, और उसकी वजह है ये आदमी जिसने एक माँ को बलात्कार किया, उसे इस मंच पे सम्मानित किया जा रहा है।